हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई रीड मैथ क्लास थर्ड लेसन सिक्स। इसमें प्रैक्टिस आज स्टार्ट होगी 6F। इसमें डिवाइड के साथ साथ उसका चेक भी करना है, ये राइट है या रॉन्ग। तो करते हैं इसका। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं चेकअप का। डिवाइजर मल्टीप्लाई आप इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक ही है। डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटेंड और प्लस रिमाइंडर। ये चेकअप करने के लिए फॉर्मूला होता है कि हम किसी डिवाइड को चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 का डिवाइड 35 में, इजी है, 2 डिजिट्स डिवाइड है, 4 का टेबल पढ़ेंगे 35 से अधिक ना हो जाए। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 49 या 36 ज्यादा हो जाएगा तो 8 टाइम डिवाइड होगा, 48 या 32। ऊपर वाली नंबर से माइनस करते हैं, जैसा कि डिवाइड का रूल होता है 5 में से 2 लेस किया 3, आगे डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। इसलिए प्रैक्टिस में मैंने आपको ये बताया था। अब आता है ये आपका डिवाइजर कहलाता है, ये आपका डिवाइडेंड कहलाता है, और ये क्वांटेंड कहलाता है। तो ये डिवाइड के पार्ट होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले डिवाइजर, तो डिवाइजर कौन सा है, 4 का डिवाइड किससे करना है, क्वांटेंट। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइजर इक्वल 4 क्वांटेंट इक्वल 8 रिमाइंडर इक्वल 3। ये सब तीनों पार्ट्स जब आपको मिल जाते हैं, जानकारी हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिखेंगे। डिवाइजर की जगह डिवाइजर 4, क्वांटेंट कितना है आपका 8 लिखते हैं, और प्लस रिमाइंडर आपका 3 है तो 3 लिख दें। अब आपका डिवाइडेंड कितना है 35, तो आपका रिजल्ट 35 आना चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 प्लस 3 रिमाइंडर, तो 32 और 3 35 होगा, तो यहां पर भी 35 आएगा। तो इस तरह से RHS और LHS आपका दोनों इक्वल है, ये आपका चेकअप करेक्ट होगा, सही होगा। अब इसका एक तो बहुत छोटा सवाल था, इसका एक बड़ा सवाल लेते हैं, उसको कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। मान लीजिए आपके लिए 2 3 डिजिट का डिवाइड है
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 2 4 4 में से 4 लेस किया 0, कॉपी किया 8, 4 2 8 0 अब बचा 7, सॉरी 4 आएगा यहां पर, 2 नहीं, 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 में, 2 3 6 7 में से 6 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं डिवाइजर कितना है आपका इक्वल टू, क्वांटेंट कितना आया है 2 4 3, आप रिमाइंडर कितना है 1। तो जब ये तीनों पार्ट्स आपको पता चल जाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, शुरू करते हैं 487 आपका डिवाइडेंड है, डिवाइजर कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई क्वांटेंट कितना है 2 4 3 और रिमाइंडर कितना है 1। तो 2 का मल्टीप्लाई 243 में करते हैं, 2 3 6 2 4 8 2 2 4 प्लस 1 तो 486 प्लस 487 हो जाएगा और यही आपका डिवाइडेंट है। और ये जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका चेकअप हो जाता है। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस 6G डिवाइड यूजिंग शॉर्ट मेथड, इसमें क्या करना है, करना आपको डिवाइड ही है लेकिन शॉर्ट मेथड से करना है, लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, डिवाइड वाई शॉर्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 1 की सवाल दिया हुआ है, 4 का डिवाइड, तो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 में 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, पर ये आपको शॉर्ट मेथड से करना है। ये इसका क्वेश्चन बड़ा देते हैं, जैसे 2 का डिवाइड आपको 4 6 8 8 में करना है, तो कैसे करना है, 2 का डिवाइड सबसे पहले 4 में करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 2 का डिवाइड 6 में करते हैं, 2 3 जा 6, फिर 2 का डिवाइड 8 में करते हैं, 2 4 जा 8 और फिर लास्ट वाले 2 4 जा 8। तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ जाता है। इस मेथड को डिवाइड बाई शॉर्ट मेथड कहते हैं और लॉन्ग मेथड से तो आपने पहले ही सीखा है। और 6H में आपको लॉन्ग मेथड से सिखाया गया है, तो 6H भी करते हैं आज सॉल्व। इसमें लॉन्ग मेथड
डिवीजन बताया गया है। क्वेश्चन वन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2975 डिवाइड बाई 5, तो 5 का डिवाइड हम 2975 अर्थात 2975 में देंगे। तो सबसे पहले कंपेयर कर देंगे, फर्स्ट वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पर जो रखा है 2 उससे, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ स्मॉलर नंबर है या ग्रेटर नंबर है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 29 से अधिक ना हो जाए। 5 5 जा 25, लेस करेंगे 9 में से 5 लेस 4, 2 में से 2 लेस किया 0, 7 कॉपी करेंगे नंबर बना 47। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 47 से अधिक ना हो जाए। 5 9 जा 45, लेस करेंगे ऊपर वाली नंबर से, 7 में से 5 लेस किया 2, 4 में से 4 लेस किया 0, कॉपी किया 5, नंबर बना 25। 5 का टेबल 25 में पढ़ेंगे, 5 5 जा 25। इस तरह से ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और तो इस तरह से ये आपकी 6H जो प्रैक्टिस सॉल्व कर लेंगे और आज आप इतना ही काम करेंगे, रजिस्टर पर इसको सॉल्व करके और व्हाट्सएप पर चेक करने के लिए भेजेंगे। थैंक यू।